हेलो फ्रेंड, मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब फैमिली प्रीवियस एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है, शेल पे बिहार अमीन का टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है, तो टेस्ट सीरीज नंबर जो 12 था उसमें से हम सिर्फ जीके जीएस और जनरल हिंदी के सवाल करवाए थे, मैथ का सवाल रह गया था। तो काफ़ी बच्चों का कमेंट आया कि सर आप मैथ का भी सवाल करवाया करो। तो 12 नंबर टेस्ट सीरीज का जो मैथ का क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बिहार अमीन में पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और जल्दी से हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का पहला सवाल आपके सामने होगा। पहला सवाल यहाँ पे पूछा हुआ है आपके सामने क्या कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है, 7 है, तथा उनके वर्गों का योगफल जो है वो 23, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो जैसे कि आपको पता है, दो संख्या हम ले लेते हैं एक्स और वाई, और इनका योगफल दिया हुआ कितना, 23, 7 दिया हुआ है। वर्गों का योगफल कहने के मतलब आपका एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई की स्क्वायर की बात किया जाए तो ये आपको दे रखा है आपका 23। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सारी बात समझ में आया। तो हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स प्लस वाई है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इक्वेशन को। तो यहाँ से आपको मिलेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और इधर मिल जाएगा आपका 49, 7 का स्क्वायर 49। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया, 23 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 23 रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2xy, और उन 49 में 23 चला जाएगा तो ये बच जाएगा आपका 26, और 26 बचेगा तो एक्स वाई का मान पूछेगा, तो एक्स वाई का मान जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा, 13। तो एक्स वाई क्या है, तो संख्याओं का गुणनफल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होंगे। शुरू में इस टेस्ट सीरीज में थोड़ा सा अच्छे सवाल दिए गए हैं, तो आप घबराएं नहीं, बस सवाल को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 52 नंबर सवाल में दिया हुआ है, 52 नंबर सवाल में दिया हुआ है क्या कि दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो आपको दिया हुआ है 1146 है, अर्थात एक्स माइनस वाई की बात किया जाए तो ये दे रखा है 1100 आपका 46। ठीक है, कितना है, 1146 दिया हुआ है। ठीक है, जब हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तो हमें भागफल 4 शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो आपको जैसा कि पता है कि आपका डिविडेंड मतलब भाज्य के बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, तो डिविडेंड बराबर आपका जो होता है डिवाइजर गुणे में कोशियंट माइनस में रिमाइंडर होता है। इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आपका 52 नंबर का सही जवाब आपके सामने आ जाएगा, ऑप्शन ए कौन सा हो जाएगा, 1526। इसको सॉल्व करेंगे आसानी से ये आ जाएगा, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा। यहाँ पे एक सीरीज दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या सीरीज है कि यहाँ पे एन है प्लस में 3n/2 प्लस में 9n/4 प्लस में आपका ये इन्फिनिटी जा रहा है। कहने का मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपका n है, n के साथ में 1 होगा और नीचे में क्या होगा, 1 का स्क्वायर होगा। ऊपर में आपके पास क्या, यहाँ पे 3 है, ऊपर में चलेगा 1 और यहाँ पे फिर 3 फिर 9 फिर इससे आगे बढ़ते चला जाएगा, नीचे में 2, 4, 8 ए चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो सीरीज है, इस सीरीज का जो मान होता है वो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका सही जवाब आप ध्यान में रखें, इस तरह का सीरीज का मान कितना होता है, डी ऑप्शन सही है। आगे देखेंगे यहाँ पे 54 नंबर सवाल, 54 नंबर सवाल आपके सामने है। यहाँ से क्या है, 2x² प्लस 2y² बराबर कितना दिया हुआ, 4a दिया हुआ है। तो 2a बटे में x² माइनस a, 2a बटे में y² माइनस a का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से 2 ऊपर वाले से ये दोनों कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x² प्लस का y² बराबर में आ जाएगा 2a, कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, जब यहाँ से आप ये बात आ गया है तो यहाँ से आप x² का भी मान निकाल सकते हैं। x² का मान अब निकालेंगे तो ये आपके पास x² बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का y² और माइनस 2a। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे में जब x² का मान पुट करेंगे तो यहाँ पे x² जैसे ही मान पुट करेंगे x² तो क्या आ जाएगा, y² माइनस 2a, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो इसका सही जवाब आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे x² का मान जैसे ही पुट करेंगे माइनस y² माइनस 2a, तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और 2a में से ए घट जाएगा, ए बचेगा और ये पूरे टर्म का नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि दोनों घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
आगे देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, 55 नंबर सवाल में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज के दो भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तो तीसरी भुजा ए सेंटीमीटर हो तो सही विकल्प चूज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि दो त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखा है कि लंबाई कितना है, तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं और दो त्रिभुज की भुजाएं आपके पास 4 है और एक 10 है, तो जो तीसरी भुजा होगी वो इसका मान जो होगा वो कितना होगा आपका, इसका मान जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन 55 का देखेंगे तो 55 में जो तरीका ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50, चूँकि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल जो होगा किसी भी परिस्थिति में तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति में तीसरी भुजा से छोटा नहीं हो। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी बराबर ए सी है, तो भुजा बी ई को जैसे एक बना लेता हूँ यहाँ पे त्रिभुज, इस तरह से एक मैंने त्रिभुज बना लिया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब यहाँ पे इसका नाम दे दिया ए, फिर ए बी और ये सी, ठीक है। अब बोला है कि भुजा बी बी ए को डी तक बढ़ाएं, तो बी ए को डी तक बढ़ाया गया है, ये भुजा को आगे हम बढ़ा दिए हैं डी तक, ठीक है, तो इसका नाम डी हो गया। अब डी को बढ़ा इस प्रकार बढ़ाया गया, पहले तो ए बी और ए सी बराबर थे, अब ए सी और ए डी बराबर हो गए हैं, क्या हो गए, ए सी और ए डी बराबर हो गए हैं, तो बी सी डी मतलब बी सी डी ये पूरा एंगल की बात किया जा रहा है, तो इसके मान क्या होगा, तो ए सी बराबर ए डी हो तो बी सी डी का मान क्या होगा, तो बी सी डी का मान आपका क्या निकल के आएगा, पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब इस पर किस आपके सामने है दिया हुआ है यहाँ पे 57 नंबर सवाल, 57 नंबर सवाल में पूछा है राहुल का वेतन मोहित के वेतन का 40% है, यदि राहुल का वेतन 60% से बढ़ाया जाए तथा मोहित का वेतन 20% से कम कर दिया जाए तो राहुल का वेतन मोहित के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे देखिए, ये है राहुल और ये मोहित, बात किया जाए राहुल का वेतन मोहित के वेतन से 40% है, राहुल का वेतन जो है मोहित के वेतन का 40% है, मतलब मोहित का कहीं 100 है तो इसका कितना है 40 है। अब बात आती है कि राहुल का वेतन को 60% बढ़ा दिया जाए, तो इसको 40 को हम 60% बढ़ा दें तो कितना आएगा, 24 बढ़ जाएगा, तो 40 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 40 24 64 हो जाएगा। वहीं पे मोहन की बात किया जाए तो मोहन के वेतन को 20% कम कर दिया जाए, तो ये आपका 20% जैसे ही कम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80। अब बोलता है राहुल का वेतन मोहित के वेतन का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पे 64 जो है वो 80 का कितना प्रतिशत है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 20 84 20 2500 और यह 4 से करेंगे तो ये आपका 4 से करेगा 16, अर्थात 16 25 80% है, कितना प्रतिशत है 80%। आइए देखते हैं 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल आपके सामने है, क्या दिया हुआ है, क्या कि 7750 को एक्स वाई जेड में इस प्रकार बांटा जाता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना बांटा जाता है 7750, ठीक है, एक्स के हिस्से का 3 गुना वाई के हिस्से का 5 गुना के बराबर है जो जेड के हिस्से के 2 गुने के बराबर है, अर्थात एक्स के हिस्से का 3 गुना 3x बराबर में आपका जो होगा 3x बराबर में आपका वाई के 5 गुने के बराबर, 5y बराबर में जेड का 2 गुने के बराबर, तो यहाँ से आपको निकालना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड, और जब ये निकालेंगे तो निकालने का तरीका क्या है, जैसे एक्स का मान निकालेंगे तो अब वाई और जेड के साथ में जो है कोफिशियंट उसको गुना करेंगे तो 5 गुना ये 10 आ जाएगा, वहीं पे वाई का निकालेंगे तो एक्स और जेड का मान करेंगे गुना करेंगे तो 3 गुना 6 आ जाएगा, और जेड के टाइम में आपका जेड के कोफिशियंट को छोड़ के एक्स वाई कोफिशियंट को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 15, अर्थात 10 6 15 ये सबको करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका टोटल 31 नहीं, आपका टोटल जो दिया हुआ है वो है 7750, तो ये कितना गुना है, तो ये आपके 250 गुना है, ठीक है, मतलब 31 यूनिट का मान आपका जो कितना है 7750, तो एक यूनिट का मान कितना आएगा 250 आ जाएगा, एक यूनिट का मान 250, तो आपको निकालना क्या है, तो आपको पूछा है जेड के हिस्से में कितना, तो 15 यूनिट का मान पूछा है, कितना पूछा है 15 यूनिट का मान, तो एक यूनिट का मान 250 है तो 15 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका सही जवाब आ जाएगा 4250 रुपये, कितना आ जाएगा 4250 रुपये। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, अब थोड़े से अच्छे से सवाल होंगे, यहाँ पे देखिए कोई बात नहीं है,
अब यहाँ तक तो सवाल को देखें आपने थोड़ा सा अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए 59 नंबर सवाल। लोकेश 2,40,000 के साथ में एक व्यापार शुरू करता है, 3 महीने के पश्चात विशाल 21,210,000 के साथ उससे जुड़ जाता है, वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे लोकेश की बात किया जाए और यहाँ पे बात किया जाए किसका, आपका विशाल की बात किया जाए। तो लोकेश जो है वो 2,40,000 के साथ में पूरे एक साल तक बिजनेस करता है, तो 2,40,000। वहीं से 3 महीने के बाद आता है विशाल, अर्थात ये साल भर में 3 महीने के बाद मतलब 9 महीने के लिए बिजनेस करता है, और ये 2,10,000 के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ से इनके जिस तरह से इनका निवेश होगा उसी तरह से इनका क्या होगा, लाभ का हिस्सा होगा। तो यहाँ से काटेंगे तो ये 4-0 से 4-0 कट गया है, 3 के टेबल में 3 3 9 हो जाएगा और 3 4 12 होगा, और 3 से ये हो जाएगा आपका 8, अर्थात 8 4 32, और इधर में आपका बच गया 21। तो जो लाभ का इनका प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 32:21, ऑप्शन ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है क्या, एक फुटबॉल टीम के 2 खिलाड़ी पी क्यू का औसत 38 kg है, पी क्यू तथा उसके प्रशिक्षक टी का औसत 49 kg है, तो प्रशिक्षक का भार ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए पी और क्यू की बात किया जाए, औसत है उनका 38 है, तो टोटल जो होगा वो क्या होगा, 2 × 38 अर्थात में 76 वर्ष। वही बात किया जाए आपका पी क्यू और टी, इनका औसत कितना है, कितने लोग हैं, 3 लोग, औसत कितना, 49, तो इसको जब हम गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 147। ठीक है, तो 147 में से ये समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है। अब इसमें से घटाएंगे तो पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, टी का जो मान आएगा 147 माइनस में 76, ये 71 वर्ष, और 71 वर्ष इसका सही जवाब है, ऑप्शन ये सही जवाब हो जाएगा। आगे आपका 61 नंबर सवाल में पूछा है, 50 आदमी एक काम को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किए, परंतु प्रत्येक 10 दिन के अंत में 10 आदमी काम छोड़ देते हैं, प्रत्येक कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो टोटल वर्क हम निकालेंगे यहाँ पे टी डब्ल्यू, तो टोटल वर्क जो होगा हमारा 50 आदमी का, ठीक है, वो 28 दिन का काम है, तो इसको जब गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1400 यूनिट काम हो जाएगा। कितना यूनिट काम होगा, 1400 यूनिट काम होगा। अब क्या है कि 50 आदमी जो शुरू में हैं वो तो 10 दिन तक काम करेंगे, तो ये काम कर देंगे 500 यूनिट, क्योंकि जो प्रत्येक 10 दिन के बाद 10 10 आदमी छोड़ते जा जाएंगे, तो शुरू के 10 दिन तो 50 आदमी काम किए होंगे, इसके बाद के 10 दिन कितने आदमी किए होंगे, 40 आदमी, क्योंकि 10 आदमी छोड़ दिए हैं, तो ये कितने यूनिट हो गए आपका, 400 यूनिट। इसके जो अगले 10 दिन होगा वो 30 आदमी, क्योंकि 10 आदमी और छोड़ देंगे, तो कितने आ जाएगा आपका, 300। ठीक है, अब 5 4 9 3 1200 हो चुका है, फिर से 10 आदमी छोड़ देंगे तो 20 आदमी बचेंगे, और 10 दिन काम करेंगे तो कितना कर देंगे, 200 यूनिट। इस तरह से आपका ये 1400 यूनिट काम पूरा हो जाता है। समय कितना लगेगा कि 10 10 20 10 30 10 40, मतलब दिन कितना लगेगा आपका, 40, तो 40 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ से पूछा है आपको कि यू भी के मध्य की दूरी, 2 स्टेशन है यू और भी, यहाँ पे क्या है, यू और यहाँ पे भी, इनके बीच की दूरी कितना है, 1008। ठीक है, यू से एक गाड़ी चलती है 9 बजे में, 9 बजे चलती है, और इनका जो चाल होता है, स्पीड होता है, वो 126 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से होता है। ठीक है, 20 मिनट का रेस्ट लेती है, तो वह किस समय पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले 1008 किलोमीटर 126 के स्पीड से जाएगी, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो कितना लग जाएगा आपका, 1008/126। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो ये आएगा ये 8 बार में कट जाएगा, लेकिन 20 मिनट का और ये डिले करेगी, बीच में लिखा हुआ कि 20 मिनट का बीच में रुकती है, तो जो टाइम लगेगा कितना लगेगा, 8 घंटा 20 मिनट। तो 9 बजे चलना शुरू की थी सुबह, ठीक है, एएम में, और 8 घंटा 20 मिनट के बाद वो पहुंच जाएगी वी पे, अर्थात 9 और 8 कितना होता है, 17 17, अर्थात 5:20 इसका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, 63 नंबर सवाल में पूछा हुआ है आपको क्या कि यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और एक विकर्ण क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात करें। एक आयत है, इसका एक भुजा आपको दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर,
साथ में इसका दिया हुआ है क्या है, एक डायगोनल विकर्ण दिया, कितना 17। तो आयत का प्रत्येक भुजा आमने सामने की भुजा बराबर होती है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री है तो पैथागोरस लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है 8 17, तो इनका जो आएगा आधार वो कितना आएगा 15, अर्थात जो लंबाई होगा 15 यूनिट होगी और चौड़ाई कितनी होगी 8 यूनिट। परिमाप बराबर क्या होता है 2 × L + b, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 और L इनका क्या है 15 और प्लस में कितना 8, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, परिमाप बराबर 46 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पूछा हुआ है यहाँ पे कि एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो अर्धवृत्त हम बना लेते हैं, एक अर्धवृत्त है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और ये कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है π r² / 2, क्योंकि पूरे वृत्त का होता है π r², इसका क्या होगा π r² / 2, और इसका क्या है 308, ठीक है। इसको जो सॉल्व करेंगे तो r का मान जो आएगा वो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर, सॉल्व करेंगे आ जाएगा। परिमाप ज्ञान गणना करें तो परिमाप जो होगा टोटल परिमाप होता है 2π r, तो आधा कितना होगा आपका π r, 2π r में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा π r। और यहाँ से देखिए ये जो आपको दिया हुआ है ये कितना होता है r + r, तो ये कितना होगा प्लस में 2 r, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 22/7 गुने में 14 प्लस में 14 × 28, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सामने जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 872 सेंटीमीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 65 नंबर सवाल, यहाँ भी पूछा हुआ आपको क्या कि 2/√3 प्लस में 10 45 का मान होता है 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + √3/√3 आंसर आ जाएगा और ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में आपके सामने है, यहाँ पे दिया हुआ है कुछ इस प्रकार कि त्रिभुज बनाया गया PQR, यहाँ पे दिया हुआ है कि cot P बराबर 5/12 है, तो P से देखेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनस होगा, तो यहाँ पे क्या होगा ये दिया हुआ परपेंडिकुलर, इसका होता है B अपॉन में P, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है आपका यहाँ पे इसका मान 5 है और इसका मान कितना है 12। पूछा क्या 10 r, 10 r यहाँ से देखेंगे r बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर इसका में क्या होगा 5, और 5/12 इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, यहाँ पे पूछा है कि लगभग बराबर क्या है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2, 4, 16, 32 और 64 का एलसीएम आएगा, कितना आ जाएगा आपका 64 आ जाएगा, 1 से काटेंगे तो कितना आएगा 64, 2 से काटेंगे तो 32, फिर से 4 से काटेंगे तो कितना 16, फिर क्या आएगा 4, फिर आपका आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा आपका 1, इसको जब जोड़ेंगे तो आपका जो आएगा 119/64, और जो आपका लगभग 2.85 के आसपास आएगा 2.85, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 के बराबर। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, यहाँ भी पूछा हुआ है आपको कि सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा 14x + 21y, ठीक है 21y = 11 + 33, x + 11 = 44, y ठीक है, तो इसको एक साइड में करेंगे x को एक साइड में, तो यहाँ पे देख लीजिए आपका जैसे ही 7 × 14 x है और इधर 33 x है, x को इधर करेंगे इधर कितना दिया हुआ था आपका 7 × 21y था 21y, ठीक है 11 + 44, ये माइनस का है माइनस का 44, को सॉल्व करेंगे तो x/y जो आएगा वो आएगा आपका 65/29, आप सॉल्व करके देख सकते हैं ठीक है, क्या आएगा 65/29, बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए 69 में आपको k का मान पूछा हुआ है, k का मान के 2 समीकरण दे रखा है अपने पास और k का मान पूछा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले 7/14 बराबर में कर लेंगे 8k/112, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 7 ये 2 बार में कटेगा और 8 से 1 आपका कितने बार में कटेगा, तो 8 × 1 = 8 बचेगा 3, 8 × 4 = 32, यहाँ से क्या कितना आएगा 7, तो के का मान जो आएगा वो कितना आएगा 7 यूनिट आ जाएगा, 7 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर सवाल, 70 नंबर सवाल में आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि कौन BAC का मान ज्ञात करना है, बी
बी ए सी का, इस कोण का मान ज्ञात करना है। यदि बी आई सी का मान दिया हुआ है कितना, 125 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो मान होगा आपका बी आई सी का 125 है, तो बी ए सी का मान क्या हो जाएगा, अब जब देखेंगे तो इसको यहाँ पे सॉल्व करना होगा। जब भी ए कोण बी ए सी, ठीक है, बी ए सी, तो इसमें से जब भी इस तरह का सवाल हो तो क्या करेंगे, इसको दोगुना करके 180 घटा देंगे, ठीक है, दोगुना करके 180 घटा देंगे, तो 250 माइनस में 180, तो इस तरह से जो आएगा आपका कितना आएगा, 70 डिग्री, इसका सही जवाब हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज का वह बिंदु जहां से समकोण बनता है वो क्या कहलाता है, तो उसे लंबकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। 72 नंबर सवाल में पूछा हुआ है, ए के पास बी से 3 गुना राशि है, अर्थात ए है और ये बी है, तो ए के पास बी का 3 गुना राशि है, बी के पास सी से 40% अधिक है, ये बी है, ये आपका सी है, तो बी के पास, सी के पास कहीं 100 है तो इसके पास 140 है, यहाँ से काटेंगे तो आपका आ जाएगा ये 7:5, तो यहाँ पे देखिए बी का मान 1 है और यहाँ पे बी का मान 7 है, तो इसको क्या करेंगे, 7 से गुना करेंगे, तो 7 या 21, ये बी का फिर आ जाएगा 7 और सी का जो आएगा आपका 5, तो ए बी सी में अनुपात क्या होगा, 21:7:5। पूछा है यदि तीनों का औसत दिया हुआ है 1320, तो 1320 तीनों का औसत है, तो टोटल बात किया जाए तो टोटल कितना होगा, तो 33 39 60, ठीक है, टोटल यहाँ पे देखा है 7 5 12 12 21 कितना हो गया, 33, और 33 का मान जो दिया है ये आपका 39 60 दिया है, ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो पूछा हुआ क्या कि ए के पास कितनी राशि है, तो ए के पास कितनी राशि है, तो ए को यहाँ से देखेंगे तो ए के पास कितना है, 21 यूनिट, तो 21 यूनिट का मान निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 33 यूनिट का मान आपके 39 60 है, तो 21 यूनिट का मान क्या हो जाएगा आपका 2410। नेक्स्ट सवाल आपके सामने होगा, 73 नंबर पूछा है, एक्स वाई के अंक का अनुपात क्या है, एक्स और वाई का अंक का अनुपात क्या है, 4:7। पूछा है यदि एक्स 140 है, 4 यूनिट का मान कितना है, 140, तो 7 यूनिट का मान क्या होगा, तो 4 3 12, 4 5 35, 1 यूनिट का मान 35 है, तो 7 यूनिट का मान 35 से गुना करेंगे तो आपके पास जो आएगा 73 नंबर सवाल, तो 73 नंबर सवाल का जो आंसर आएगा गुना करेंगे तो गुना करके आप बताएंगे कितना आ जाएगा आपका, 245 का सही जवाब हो जाएगा, 7 यूनिट का सवाल कितना होगा, 245। आगे देखिए 74 नंबर सवाल पूछा है कि 13 रुपये प्रति किलो वाले नमक को 7 रुपये प्रति किलो वाले नमक के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पर रखेंगे 13, यहाँ पर रखेंगे 7 और मिश्रण वाले को बीच में रखेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, तो 13 में से 9 हो गया 4, 7 में से 9 में से 7 गया 2, तो ये क्या होगा, 1:2, और 1:2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा, अर्थात 1 kg लेंगे 13 रुपये वाला तो 2 kg लेना पड़ेगा 7 रुपये वाला, उनका मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 9 रुपये। आगे देखिए 75 नंबर सवाल और अंतिम सवाल होगा, बोला है 8 सदस्यों के एक समूह का जो औसत आयु है 36, तो टोटल जो होगा वो कितना होगा, 8 × 36, 8 × 36, और 8 × 36 करेंगे तो ये जो टोटल आ जाएगा आपका 288 आ जाएगा, कितना आएगा, 288। यहाँ से बोला है सबसे छोटे का आयु है 32 वर्ष, यदि हम सबसे छोटे, सबसे छोटे, यहाँ भी बड़े लिखा गया गलत लिखा गया, सबसे छोटे सदस्य को समूह से बाहर निकालते हैं तो शेष सदस्यों की आयु क्या होगी, तो 288 में 32 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 256, और 256 को 7 लोग से भाग दे देंगे तो आपका 36.57 आ जाएगा, कितना आएगा, 36.57, ऑप्शन डी इसका सही जवाब। तो ये थे आपके मैथ के 25 क्वेश्चन बिहार अमीन में, तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो दिल से लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। हम बहुत सारे टेस्ट सीरीज इस चैनल पे करा चुके हैं, 12 टेस्ट सीरीज करवाए हैं, तो जो बच्चे नहीं देखे हैं बाकी टेस्ट सीरीज को, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ, वहाँ पे जाके वीडियो को देख सकते हैं, साथ में उनका PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।